मंगलम गौतमोहनी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानम सर्वधर्माणाम् जैनम जेतु शासनम् जैनम जेतु शासनम् आचार्य पूज्यपाद रचित यह इष्ट उपदेश नामक ग्रंथ है और इस ग्रंथ के संदर्भ में कल तक हम 47 मतलब 46 नंबर श्लोक तक की चर्चा कर चुके हैं। आज इस चर्चा को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। प्रसंग कुछ इस प्रकार का चल रहा था कि जीव के साथ पुद्गल परमाणु रहते हैं, लेकिन फिर भी पुद्गलों को कुछ ज्ञान नहीं है। जीव के निमित्त से विकार करता है, वे कर्म बंधते हैं, उनमें परस्पर निमित्त निमित्त एक संबंध होता है। इस तरह का ये पूरा प्रकरण चल रहा था और बात तो इस प्रकार की थी कि ये जीव पुद्गल रखता है, इसलिए पुद्गल भी इसका साथ नहीं छोड़ता। ये बहुत जगत में प्रसिद्ध है बात। आप किसी के प्रति लगाव रखेंगे, आप किसी के प्रति अपनापन रखेंगे, तो वो भी आपके प्रति अपनापन रखेगा। या किसी के प्रति आपका अपनापन है तो उसके मन में भी है, कोई रखता है तो आपके मन में भी है। ये सहज ही ऐसा होता है। कहते हैं ना, लेने का देना होता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति से आपने लिया है तो उसके काम होने पर आपको देना भी होगा। बस उसी तरह के कुछ व्यवहारिकता की बात यहाँ ये कर रहे थे कि आपने पुद्गल के प्रति अपनापना किया तो पुद्गल ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुमने मेरे प्रति अपनापन किया है, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारा जन्म जन्मांतरों में अलग अलग गतियों में चतुर गति रूप संसार में कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह से वे कर्म इस जीव का किंचित भी कभी भी साथ न छोड़ते हुए हमेशा ही वे पुद्गल परमाणु इसके साथ में बने रहे हैं। फिर पूछता है, चलो कोई बात नहीं, ये तो पुद्गल के साथ में तन्मय रहने वालों की बात हुई। हाँ, कोई जीव ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने पुद्गल के प्रति तन्मयता तोड़ दी हो और अपने स्वरूप में तन्मय हो गए हो, ऐसे जीवों को क्या फल प्राप्त होता है, ऐसे जीवों को क्या फल मिलता है। गुरु उसको जवाब देते हैं। गुरु कहते हैं, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहारे बहिस्थिते जायते परमानंद कश्चित् योगेन योगिनः। ग्रहण त्याग व्यवहार बिन जो निज में लवलीन योगी को हो ध्यान से परमानंद नवीन। आत्म अनुष्ठान करने वाले जीव आत्म स्वरूप में स्थित हुए, लीन हुए योगी कह रहे हैं, पर का अवलंबन तोड़ दिया, पर का साथ छोड़ दिया और आत्म स्वरूप में लवलीन हो गए हैं तथा व्यवहार से दूर बाहर रहे हुए, व्यवहार से दूर बाहर रहे हुए योगी को योग से व्यवहार से दूर बाहर रहे हुए योगी मतलब व्यवहार से दूर रहे हुए योगी की चर्चा चल रही है। पर से दूर है, व्यवहार से दूर है, देह के प्रति राग से दूर है, देह को अपना कहने रूप वृत्ति से दूर है, ऐसा जो योगी है उस योगी को योग से माने आत्म ध्यान से कोई अनिर्वचनीय परम आनंद उत्पन्न होता है। क्या कह रहे हैं, कोई परम आनंद की उत्पत्ति होती है उस योगी को, जो योगी योग की वजह से योग में लीन होता हुआ, योग साधना से अपने में लीन होता हुआ
देह से भिन्न अनुभव करता है, कर्म से भिन्न अनुभव करता है, संयोग से भिन्न अपने स्वभाव का अनुभव करता है, उसको अनिर्वचनीय। तो संजय जी, कोटि जीव से व्यवहार से दूर का अर्थ यहाँ यह हुआ शरीर से दूर, कर्मों से दूर, क्या क्या? हाँ, कल शायद आप नहीं थे कुशल जी, वैसा कल यहाँ इस तरह की चर्चा हुई थी पिछले श्लोक में, जिसमें यहाँ पुद्गल के साथ में संबंध की चर्चा की थी। अच्छा, वो पुद्गल के साथ में जो संबंध है उसी के लिए व्यवहार शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, उस पौद्गलिक संबंध को ही व्यवहार कहते हैं, और उस पुद्गल का अर्थ शरीर भी लगाना और उस पुद्गल का अर्थ पौद्गलिक कर्म भी लगाना, माने द्रव्य कर्म और नौ कर्म, इन दोनों के ऊपर ये बात लागू होगी। तो जो ध्यान करने वाला है, साधक व्यक्ति है, वो इनके प्रति अपनापन नहीं करता, अर्थात इस व्यवहार से जो दूर हो गया है, व्यवहार से दूर है मतलब व्यवहार से बाहर है। देखो यहाँ व्यवहार शब्द का प्रयोग निश्चय व्यवहार वाला व्यवहार के अर्थ में नहीं लगाना, यहाँ व्यवहार का अर्थ लोक व्यवहार लगाना, वो ज्यादा उपयुक्त है। और वो जो लोक व्यवहार है जिसे हम शिष्टाचार के नाते कहते हैं, उन्हें ये सब व्यवहार आपको डुबो देने वाला है। जितना ज्यादा व्यवहार और जितनी ज्यादा व्यवहारिकता लोक में अच्छा माना जाता है, समाज में इस बात को बहुत अच्छा माना जाता है, अरे साहब ये बहुत व्यवहारिक है, बहुत व्यवहारिक है, इसका मतलब बहुत अच्छे हैं। किसी की प्रशंसा करते हुए ये शब्द कई बार कहे जाते हैं, ये बहुत व्यवहारिक है, बहुत अच्छे हैं, बहुत व्यवहारिक व्यक्ति है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि जो व्यवहारिक होता है ना, उसे आत्मा का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो व्यवहार में ही उलझा रहता है, वो व्यवहारिक लाग लपेट में ही उलझा रहता है। क्या उसको कुछ व्यवहार से उभर नहीं पाता, व्यवहार छोड़ेगा तो निश्चय में आएगा ना, आत्म ध्यान करने का अवसर का है। व्यवहार से जो दूर रहे हुए योगी हैं, वे आत्म ध्यान से आनंद का अनुभव करते हैं। अरे भैया, जिसने एक बार उस आनंद रस को चख लिया है, उसे फिर ये व्यवहारिक क्रियाएं और व्यवहारिक क्रियाकलाप ये उसको रुचते नहीं, ये उसको जचते नहीं, ये उसको पसंद नहीं आते। ऐसा ही स्वरूप है इस व्यवहार का। देखिए टीका में क्या कहते हैं, आत्मा का अनुष्ठान अर्थात देहादिक से हटकर अपने आत्मा में ही अवस्थापन, निश्चित स्थिर रहना, उसमें तत्पर रहे हुए तथा प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार से बाहर रहे हुए ध्यान करने वाले योगी को योग से अर्थात अपने आत्मा के ध्यान से कोई वाणी अगोचर तथा अन्य को असंभव ऐसा परम आनंद उत्पन्न होता है। बात वही है, उसी बात को वापस टीका के अंदर रिपीट किया है। व्यवहार प्रवृत्ति से दूर है, ध्यान करता है वो योगी, ध्यान के माध्यम से कर्मों को निर्जरित करता है। ध्यान का अर्थ अपने फैले हुए उपयोग को केंद्रित करना है। ध्यान करते हैं, उपयोग में किसी एक विषय को लेकर फिर उपयोग को इधर उधर न भ्रमाने को उसको ध्यान कहते हैं, चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। और व्यवहार से दूर हो गया और उसके बाद में किया ध्यान, तो इसका मतलब उसके उपयोग की एकाग्रता अपने स्वभाव में होगी। ऐसे अपने आत्मा के ध्यान में कोई वाणी अगोचर, वचन अगोचर, दूसरों को असंभव ऐसे परम आनंद उत्पन्न होता है।
भावार्थ में भी इसी तरह की बात कही है। शारीरिक शरीर, न केवल शरीर, शरीर आदि बाह्य पदार्थों की ओर का झुकाव हटाकर तथा प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार से दूर रहकर जब योगी स्वस्वरूप में लीन होता है, तब आत्म ध्यान से उसको कोई अनिर्वचनीय परम आनंद आता है। ये बार बार में अनिर्वचनीय शब्द दे रहे हैं। अनिर्वचनीय का मतलब ही यही है, ये शब्द उन योगियों के हृदय से निकले हैं, उन टीकाकारों, उन भावलिंगी संतों के हृदय से निकले हैं, जिनको सच में वो बहुत अपूर्व आनंद आया था। अब वे उस अपूर्व आनंद के लिए कोई शब्द नहीं दे पा रहे हैं, उनको कोई विलक्षण आनंद की प्राप्ति हुई, अद्भुत आनंद की प्राप्ति हुई, उस अद्भुत आनंद के लिए वे क्या शब्द दे रहे हैं। वो कहते हैं भैया अनिर्वचनीय है, मैं क्या कहूँ, मैं कह नहीं सकता। हम लोग बोलचाल की भाषा में ऐसा कह देते हैं, हमारे पास में कोई शब्द नहीं है जिसके लिए हम ये कहते हैं, हमारे पास में कोई शब्द नहीं है इनकी तारीफ के लिए, हम क्या तारीफ करें, हमारे पास में कोई शब्द नहीं है। देखिए जो बात आपने कही है, हम क्या तारीफ करें, हमारे पास में कोई शब्द नहीं है। उस बात को आचार्य देव यहाँ वचन अगोचर कह करके बुलाते हैं, अनिर्वचनीय कह करके बुलाते, वाणी से अगोचर, टीका में दिया वाणी अगोचर, भावार्थ में दिया अनिर्वचनीय। गोचर माने होता है प्राप्त करना, जानना, और अगोचर माने प्राप्त नहीं हो पाना, और वाणी अगोचर वाणी से प्राप्त नहीं हो पाना, वाणी की पकड़ में नहीं आना, शब्दों से जिनको नहीं पकड़ा जा सके वे है वाणी अगोचर। शब्दों से जिनको ख्याल में, मतलब शब्द जिनको ग्रहण न कर सके, शब्दों से जो चीज बतलाई न जा सके, बस इसी तरह की बात समझ लीजिए। अनुभव हमेशा वचनातीत होता है, अनुभव हमेशा वाणी से परे होता है, अनुभव को शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता है, यह अनुभव का स्वरूप है। सिर्फ आत्म अनुभव की बात नहीं है, मिश्री के अनुभव का स्वाद मतलब ही कैसा होता है, सबको अनुभव है, सबने मिश्री खाई है आज तक, खान शाकर क्या बोलते हैं आप लोग, जो भी गुजराती में कहते हैं उसको, तो वो जो मिश्री है, गुड़ है, उस गुड़ को सबने खाया है आज तक, और आपको अनुभव भी है। किंतु यदि आपसे पूछा जाए तो आप उसके शब्द को कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बस इसी का नाम तो वचन अगोचर है, हम बोल नहीं पा रहे। हमने पूछा कैसा होता है, आपने कहा मीठा, इतना तो बोल दिया मीठा होता है। अब फिर हमने पूछा कैसा मीठा होता है, गुड़ का स्वाद कैसा मीठा होता है, आम जैसा मीठा होता है कि चीकू जैसा मीठा होता है, पपीते जैसा मीठा होता है, कैसा होता है बताए, गुड़े जैसा मीठा होता है, गुड़ का स्वाद गुड़े जैसा मीठा होता होगा, चीनी जैसा होता होगा, एक ही जवाब है, वचन अगोचर है, कह नहीं सकते। ज्यादा आपसे पूछे तो आप ये कह सकते हो, ये रखा सामने गुड़, मुख में रखो, स्वाद लो और पहचान लो कैसा होता है, बस वो बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। आत्मा के ध्यान के संदर्भ में बात कही और फिर कहा कि वो ध्यान कैसा होता है, बोले वाणी अगोचर है। अन्य को असंभव, अन्य को असंभव, अन्य को असंभव मतलब दूसरे को नहीं होगा क्या, अरे दूसरे को हो तो सकता है, अन्य को असंभव मतलब दूसरे को वाणी से कहना असंभव, असंभव कठिन नहीं, जटिल नहीं कह रहे, मुझे कैसा आनंद आया ये बात में बतला नहीं सकता, ऐसा परम आनंद उत्पन्न होता है। भावार्थ ने कहा शारीरिक बाह्य पदार्थों की ओर का झुकाव हटाकर तथा बाह्य प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार से दूर रहकर,
प्रवृत्ति रूप भी। ओ गजब बात कही है। देखो आप व्यवहार में दो तरह की बातें ली यहाँ, प्रवृत्ति और निर्वृत्ति रूप व्यवहार से दूर रहकर। इसका मतलब ये व्यवहार प्रवृत्ति रूप भी होता है, ये व्यवहार निर्वृत्ति रूप भी होता है, ये व्यवहार दो प्रकार का होता है, प्रवृत्ति और निर्वृत्ति। प्रवृत्ति रूप व्यवहार कैसा होता है? पूजन करना ये व्यवहार है, भक्ति करना ये प्रवृत्ति रूप व्यवहार है, स्वाध्याय करना ये प्रवृत्ति रूप व्यवहार है, किसी के यहाँ जाना आना मिलना उठना बैठना चर्चाएं करना ये सब प्रवृत्ति रूप व्यवहार है। इससे दूर रहने की बात कही। अनुष्ठान आयोजन पंचकल्याणक शिविर विधान पूजन भक्ति नृत्य गान स्वाध्याय माला फेरना जाप करना ये सब प्रवृत्ति रूप व्यवहार। अभी एक ही की बात की है मैंने, प्रवृत्ति रूप व्यवहार इससे दूर रहकर। अब निर्वृत्ति रूप व्यवहार क्या होता है? निर्वृत्ति रूप व्यवहार माने रात्रि भोजन का त्याग करना, रात्रि में पानी पीने का त्याग करना, भोजन आदि का त्याग कर दिया, परिग्रह का त्याग कर दिया, घर बार का त्याग कर दिया, कपड़े लत्तों का त्याग कर दिया, ये निर्वृत्ति निर्वृत्ति लेता जा रहा है। हमने आजीविका का त्याग कर दिया, अब बिजनेस नहीं करेंगे हम जीवन भर के लिए, हमने आजीविका के कार्यों से निर्वृत्ति ले ली, ये निर्वृत्ति रूप व्यवहार है। बोलो ये कैसा व्यवहार है? निर्वृत्ति रूप व्यवहार। दूर हो गए हम आजीविका से हमेशा के लिए। ये बहुत गजब है ये स्वरूप। इन दोनों से दूर रहने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब आजीविका करो और नहीं करो, इन दोनों से दूर। परिग्रह संचित किया हो और परिग्रह का त्याग किया हो, परिग्रह को संचित करना ये प्रवृत्ति रूप व्यवहार, और परिग्रह को संचित नहीं करके त्याग करना ये निर्वृत्ति रूप व्यवहार, और दोनों से दूर रहकर। मैं एक बात कहूं आपको, यहाँ थोड़ी अटपटी सी लगेगी आपको, अन्य मतावलंबियों में जो क्रियावादी हैं दर्शन वो सब प्रवृत्ति रूप व्यवहार वाले, और जितने संप्रदाय अक्रियावादी हैं वो सब निर्वृत्ति रूप व्यवहार वाले। बोलो कैसा होता होगा ये प्रवृत्ति रूप व्यवहार और निर्वृत्ति रूप व्यवहार? संजय दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? दोनों से निर्वृत्ति रखो भी और छोड़ो भी नहीं, दोनों के विकल्प से दूर रहकर। आत्म स्वरूप के ध्यान करने की बात है ना, तो रखो और छोड़ो ये दोनों प्रकार का व्यवहार है, हमारे को दोनों से मतलब नहीं, निर्विकल्प होने की बात कर रहे हैं। ठीक, न हमें छोड़ने का विकल्प है न हमें ग्रहण करने का विकल्प है। मैं कहता हूँ कई बार दुनिया में बहुत लोग दिखते हैं सुखी होने के नाम पर जोड़ने जोड़ने के लिए तैयार हैं, सुना होगा आपने कई बार, 99.9% लोग ऐसे दिखते हैं जो लोग ये कहते हैं सुखी होने के लिए कुछ तो जोड़ना पड़ेगा। फिर आप क्यों संग्रह कर रहे हो बुढ़ापे में? सुख के लिए करना पड़ता है ऐसा, सुख के लिए करना पड़ता है ऐसा, करना पड़ेगा किसी के लिए। देखो ये सब सुखी होने के नाम पर जोड़ने की वृत्ति रखने वाले जगत में मूर्ख लोग 99.9% लोग, देख लो आप चारों तरफ दृष्टि देकर के, सुखी होने के नाम पर है। ठीक है, अब दूसरे प्रकार के लोग कौन से? जो ये कहते हैं सुखी होने के नाम पर छोड़ो छोड़ो छोड़ो, त्याग करो त्याग करो, घर बार छोड़ो, परिग्रह छोड़ो, बिजनेस छोड़ो, धन छोड़ो, पैसा छोड़ो, वैभव छोड़ो, सब छोड़ने की बात सुखी होने के नाम पर। दोनों ही सुखी नहीं, क्यों? क्योंकि एक प्रवृत्ति में लगे थे एक निर्वृत्ति में लगे थे। अब ये कहते हैं दोनों प्रकार के व्यवहार से दूर रहकर जब योगी स्वस्वरूप में लीन होता है तब आत्म ध्यान से उसको कोई अनिर्वचनीय परम आनंद आता है। क्या
परम आनंद की प्राप्ति होती है। बोलो, अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है। कब, किसको, कब आनंद की प्राप्ति होगी? जब स्वस्वरूप में लीन होगा तब, और दोनों प्रकार के व्यवहारों का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए दूर रहकर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। बोलो, कोई बात नहीं ख्याल में आई हो तो। और हम इसी तरह का व्यवहार करते हैं धर्म के नाम पर। मुझे बतला दीजिए, धर्म के नाम पर प्रवृत्ति और निवृत्ति को छोड़ करके तीसरा काम करता कौन है? जबकि असली धर्म न प्रवृत्ति में है और न निवृत्ति में। बोलो। हाँ, अब दूसरे प्रकार से बतलाऊं, पंचेंद्रिय विषय भोगों से निवृत्ति होकर स्वस्वरूप में प्रवृत्ति होने का नाम धर्म है। अब लो, अब मैंने प्रवृत्ति निवृत्ति को भी रख लिया। ये स्वरूप निवृत्ति और बाह्य शुभ भाव में प्रवृत्ति, स्वरूप से निवृत्त होता है, शुभ भाव में प्रवृत्त होता है और धर्म समझता है। अब इसको उल्टा कर दो, शुभ भावों से निवृत्ति और अपने स्वरूप में प्रवृत्ति, ये हुआ असली धर्म। क्या क्या हुआ? अशुभ भाव से निवृत्ति के लिए तो सारा जगत कहता है, हम कह रहे हैं शुभ भावों से निवृत्ति, शुभ क्रियाओं से निवृत्ति, और वहां से निवृत्त होकर हिसाब पर से निवृत्त तो हो जाए, प्रवृत्ति भी तो कहीं होगी कि हाँ होगी ना, क्यों नहीं होगी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति अपने में होगी, वहां से हटकर अपने में प्रवृत्ति होगी। तो प्रवृत्ति निवृत्ति व्यवहार से दूर रहकर जब योगी अपने स्वरूप में स्वस्वरूप में लीन होता है, तब आत्म ध्यान से उसको कोई अनिर्वचनीय परम आनंद आता है। श्री देव सेनाचार्य ने तत्व सार श्लोक 58 में कहा है कि ये देव सेनाचार्य क्या कहते हैं, तो देखिए, उभय विनठे ऋणी उपलब्धे सुशुद्ध ससरूपे विलसई परमानंदम दो जोयम जोय सत्ये। अर्थात राग द्वेष रूप उभय भाव परिणाम, दोनों तरह के परिणाम, राग रूपी परिणाम, द्वेष रूपी परिणाम, ये जो उभय भाव है ये विनष्ट होने पर तथा योग शक्ति द्वारा अपने विशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होने पर योगी को योग शक्ति के द्वारा परम आनंद की प्राप्ति होती है। अपने विशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होने पर योग शक्ति के द्वारा परम आनंद की प्राप्ति होती है, इस तरह की बात देव सेनाचार्य ने भी कही है। तत्व सार नामक उनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, और राग द्वेष दोनों के विनष्ट होने पर यह बात महत्वपूर्ण है। अब ये राग और द्वेष, मैं कहता हूँ ये संग्रह नय का विषय भूत है, इसमें अशुभ राग तो विनष्ट होने की बात है ही, द्वेष भी पूरी तरह से विनष्ट होने की बात है ही, लेकिन शुभ राग भी विनष्ट होने की बात है। अशुभ राग के साथ साथ शुभ राग भी विनष्ट होने योग्य, और दोनों प्रकार का राग भाव जब विनष्ट होता है तब योग शक्ति के द्वारा अपने विशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होने पर योगी को परमानंद की प्राप्ति होती है। बोलो, प्रमाण दे दिए अपने को, और क्या चाहिए आपको? यदि पंडितों की बात पर भरोसा ना हो तो आचार्यों का प्रमाण दे दिया। पूज्यपाद स्वामी ने कही उस बात को स्पष्ट करते हुए टीका में, आशाधर जी ने कही, आशाधर जी तो पंडित थे, आशाधर जी आचार्य नहीं थे, आशाधर जी मुनि नहीं थे। अब वो टीका में जो उन्होंने और जो खुलासा किया, आपको भरोसा न हो तो उसी बात के लिए देवसेन आचार्य का फिर प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। फिर चलते हैं अपन और नीचे। वास्तव में राग द्वेष का अभाव ही
परम आनंद की प्राप्ति का मूल कारण है। जहां राग द्वेष की गंध नहीं, अपने से अपना नाता है। वास्तव में राग द्वेष का अभाव, राग द्वेष का न होना ही परम आनंद की प्राप्ति का मूल है। जहां राग द्वेष नहीं है वही आनंद है। और किंचित भी राग है द्वेष का तो, द्वेष तो अहितकारी है ही, लेकिन राग की कणिका भी जब तक जीवित है तब तक समझ लीजिए आप परमात्म दशा की प्राप्ति नहीं है, अनंत पद की प्राप्ति नहीं है, पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं है। परिपूर्ण परम आनंद की प्राप्ति के लिए राग की कणिका का भी अभाव होना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने समयपार ग्रंथ में कहा था भी बहुत सुंदर, अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव के, जिस जीव के अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है, वे भले ही हो कैसा सर्व आगमधर है, सब आगमों को धारण करने वाला हो, सर्व आगम उसके हो, ज्ञान में हो, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाए, कुल मिलाकर के ये कहना चाहते हैं, न जाने आत्म को, आत्म शून्य है, आनंद से शून्य है, तो राग द्वेष का भाव जरूरी। अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव के, वह भले ही हो सर्व आगम धर न जाने आत्म को, सर्व आगमों को जान लेवे तो क्या होता है उससे, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाए तो क्या होता है, कई बार हो जाता है 11 अंग 9 पूर्व का पाठी तो भी आत्म तत्व की उपलब्धि न हो सके। ऐसे राग द्वेष का अभाव परम आनंद की प्राप्ति का ये मूल कारण है, उसका आनंद का कार्य कहते हैं। अब उस आनंद का क्या कार्य है, ये बात बतलाने के लिए इन्होंने 48 नंबर का आगामी श्लोक दिया है, पढ़ते हैं बना ली अपने, वो क्या है जितना होगा पूरा होगा और पढ़ेंगे आगे। मूल मूल आचार्यों के नए नए शब्द मिलते हैं, नई नई बातें मिलती है। आनंदो निर्दह निर्दहत्य युद्धम कर्मेन्धनम नारतम न चासौ खेद्यते योगी बहिर्दुःखेष्व चेतनः। साधु बहिर्दुख में रहे दुख संवेदनहीन करते परमानंद से प्रचुर कर्म प्रक्षीण। अन्वयार्थ, वह आनंद आत्मा में उत्पन्न हुआ आनंद प्रचुर कर्म ईंधन को निरंतर जला देता है। अपने स्वरूप की साधना से, आत्म स्वरूप की आराधना से आत्मा में 70 कूड़ा-कूड़ी सागरों तक के बंधे हुए कर्म जो प्रायोग्य लब्धि के काल में ही अंतः कूड़ा-कूड़ी सागर प्रमाण हो गए, अब अंतः कूड़ा-कूड़ी सागर प्रमाण भी बाहुल्यता से अनंत संख्या में वे कर्म परमाणु जो आत्मा के साथ बंधे हुए हैं प्रचुरता से ध्यान अग्नि के माध्यम से जलते चले जाते हैं, जला दिए जाते हैं, भस्म कर जाते हैं, भस्मीभूत कर दिए जाते हैं, तो निरंतर जला देता है। और वह योगी, आनंद मग्न योगी, बाहर के दुख में अचेतन रहने से, क्या वह योगी बाहर के दुखों में अचेतन रहने से, बाहर के दुखों से अज्ञान होने से खेद नहीं पाता। क्या गजब बात कह दी, बोलो आप। अब आत्मा में मग्न है और बाहर के दुखों से अचेत है, उनके बारे में कह रहे हैं अचेत है। देखिए योगी जीव योग साधना में तन्मय है, बाहर में उपसर्ग हो रहा है, बाहर उपसर्ग हो, उसने नहीं देखा अपने पंच इंद्रिय मन रूपी दरवाजों को कर लिया, इन खिड़कियों को बंद किया और इन खिड़कियों को बंद करके बाहर में नहीं देखा, तो क्या हुआ, अनजान हो गए उससे।
जैसे कबूतर होता है ना, ये कबूतर क्या करता है, कोई भी संकट आता है गर्दन नीचे करके आंख बंद कर लेता है, और आंख बंद करके गर्दन नीचे करके बैठा हुआ अपने आप को सुरक्षित अनुभव करता है। वो कहता है कुछ नहीं है, अब मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और जब संकट दिखाई देवे सामने, आप आंख बंद कर लो, अब कहां है संकट आंख बंद करने के बारे में। ये तो मैंने डॉक्टर कही, अब लगाओ इसको आत्मा के ऊपर। आत्मा सचेतन है वास्तव में, लेकिन चेतन कहते हैं जागृति को, चेतन कहते हैं जगा हुआ है, जागृत है, होश में है, तो कहते हैं चेतन। अब कहा ये होश में नहीं है, उसको कहेंगे अचेतन। तो अब इसको चेतनता और अचेतनता तो अपनी है, लेकिन विषय की अपेक्षा से चेतनता और अचेतनता लगाओ। इनको जिस विषय का ज्ञान है उस विषय में चेतनता है, और जिस विषय का ज्ञान नहीं है उस विषय जन्य अचेतनता है। बोलो। तो आत्म मनी मग्न योगी, आत्मा में ही लीन रहने वाला योगी, बाहर के दुखों में अचेतन रहने से, बाह्य दुखों के अंदर वो अचेतन है, इसलिए बाह्य दुखों की खबर नहीं है, इसलिए बाह्य दुखों का परिचय नहीं है, बाह्य दुखों का पता नहीं लगता है। तो बाहरी दुखों का पता नहीं लगता है, इसलिए वो पता नहीं लगने के कारण खेत चिन्ह भी नहीं हो पाता। ये ऐसा उपाय बतला रहे हैं, घर में चोरी हुई और आपको पता नहीं है। यद्यपि जो एग्जाम्पल दिखते हैं वो थोड़े उल्टे से दिखते हैं, लेकिन फिर भी इतना समझ लीजिए, एक एक देश लगाना है इन एग्जाम्पल्स को। घर में चोरी हो गई, आपको पता नहीं है, आप दुखी नहीं, आपको पता लगेगा तो आप दुखी होंगे। अन्य का अर्थ ग्रहण नहीं करना, क्योंकि तो हम खुद इन सब बातों की गांठ रखते हैं जब हम दूसरे टॉपिक पर बोलते हैं। तब हमारे यहाँ तो अनेकांत है ना, त्यागवाद और अनेकांत से निरूपण होता है ना, फिर उससे ऐसा निकलता है कि तो फिर इसका अर्थ ज्ञान से दुख हुआ क्या, जानने से दुख हुआ क्या, जब तक नहीं जाना था तब तक दुख नहीं था, और जाना हो तो दुख हुआ कि नहीं, दुख और सुख का कारण जानना नहीं है, दुख का कारण तो मोह है, और मोह मिश्रित जब जानना नहीं हुआ तो दुख नहीं हुआ, अचेतन रहे, पता ही नहीं लगा हमारे को। तो मैं कहता हूँ हमारी जेब में वॉलेट रखा हुआ था, पीछे वाली जेब में, जेब कट गई, निकल करके चला गया, ठीक है, हमें पता नहीं लगा। फिर किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब आपकी जेब पीछे से कटी हुई है, कट लगा हुआ दिखाई दे रहा है, क्या बात है, और इतने पैसे, इतनी चीज, कार्ड थे, ये था वो था, सब चला गया, ये क्या हो गया, अब दुख किस चीज का हुआ, बोलो। जेब कटने का, चले जाने का, पता लगने का, सामान जाने का, पता लगने से मोह की वजह से दुख हुआ, दुख का कारण तुम अचेत रहने के लिए कह रहे हैं, ऐसे रहो अचेत, ये दुनियादारी में अचेत रहना। सच में ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष दुनिया से अचेत रहते हैं, सब से अचेत रहते हैं, माने दुनिया में रहते हुए भी ऐसे रहते हैं मानो दुनिया में नहीं रह रहे हो। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या लेना देना चाहिए। हम चले अपने घर की ओर, निज घर बिना विश्राम नाही, बहुत घूम लिए, बहुत भटक लिए, अपने आत्म घर के बिना, निज घर के बिना, अपने स्वरूप के बिना और कहीं विश्राम नहीं है, और कहीं शांति नहीं है। की तलाश में जीव कहाँ कहाँ नहीं भटका, नरक में, निगोदों में, पर्वतों पर, गिरी कंदरा में, गुफाओं में, झरनों पर, वाटर पार्क में, तीर्थ क्षेत्रों पर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, कहाँ कहाँ पर, घाट घाट पर जाकर के अपने पानी की पिया, सुखी होने के नाम पर भटकता रहा, घर घर की ठोकरें खाता रहा। देखो तो सही, कितने आश्चर्य जैसी बात दिखाई देती है, सुख से भरा ये तत्व, आनंद से भरा पूरा ये तत्व, अंदर भीतर भरा है आनंद, और बोलता क्या है, तो सुख कहाँ मिलेगा, सुख कहाँ मिलेगा, मूर्ख बना फिर रहा है। हटा ले सब जंजाल से दृष्टि, हटा ले, कुछ नहीं चाहिए हमें, किसी से कोई मतलब नहीं,
इसका माता पिता कोई मतलब नहीं, बहन भाई कोई मतलब नहीं, पुत्र पुत्री पत्नी परिवार कुछ नहीं, बस मैं और मैं और मैं, ये स्वार्थ, ये परम स्वार्थ है। ये लोगों को लगेगा कि ये तो घर तोड़वाओगे साहब आप, तो ऐसे तो फूट डलवा दोगे आप, कि नहीं भाई, परमार्थ को जानने पर अतिंद्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। हम तो खेद नहीं करने की बात बतला रहे हैं, जहां तुम्हारी नहीं चलती है इसका मतलब वो तुम्हारा नहीं है। कल हमने ये बात कही थी 46 नंबर के श्लोक में आई थी बात, जो हमारा नहीं इसका मतलब वहां हमारी चलती नहीं है, जहां हमारी चलती नहीं इसका मतलब वो हमारा नहीं। इतनी सिंपल सी बात है, कितने से दिन का साथ है, क्या राग द्वेष करना, क्या मायाचारी करना, क्या कषाय करना, क्या तेरी मेरी करना, ये कषाय राग द्वेष को लेकर के कहां कहां जाएंगे हम। जिनके घर से व्यक्ति का वियोग हुआ है वो भी कहते हैं आज मरे और कल तीसरा दिन, खत्म छुट्टी, कुछ लेना देना नहीं, और जो मर करके चला गया उसकी तो दुनिया ही बदल गई, राग लेकर के बैठा है, मोह लेकर के बैठा है, कहां भुगतता रहेगा, कहां भोगता रहेगा। बहुत मेहनत से समझ लीजिए आप, पूर्व में कोई बहुत पुण्य किए थे कि ये बातें सुनने को मिल गई है, और ये जो मिल गई है हमारे को, इनकी कद्र नहीं करी तो आगे कभी सुनने को नहीं मिलेगा। जा रहा है ये मनुष्य जीवन हाथ से निकल रहा है। एक दिन होगी थी मुझे ऐसी घबराहट, कब की बात है पता नहीं, आप लोगों के साथ शेयर की थी या नहीं, एकदम ऐसी घबराहट हुई कि ये तो संजीव प्राण चल रहे तो क्या होगा, देख ले कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है। कर्मों के पुंज रखे हुए हैं, कैसे निर्जरित होंगे, ऐसे होते हैं। प्रचुर कर्म ईंधन को निरंतर चला देता है, आत्मगत रहने वाला आनंद आता है। जो जो कर्म झड़ते हैं उनकी वृद्धि होती चली जाती है, जो जो कर्मों का आवरण ऊपर से हटता है, आत्मा अंदर से दैदिप्यमती हुई प्रकट प्रकाशमान दिखाई देने लगती है, प्रचुर स्व वेदन का वेदन होने लगता है, अतिन्द्रिय आनंद का अपूर्व वेदन होता है। सिद्ध परमात्मा कैसे विलक्षण सुख का आनंद करते होंगे। फिर ऐसा आनंद आता है, फिर समझता है वो व्यक्ति, ओ ये कारण है कि रही है अनंत अनंत काल, हे प्रभु अब समझ में आया, आप क्यों नहीं उतर करके आते वापस, एक बार जो जीव मोक्ष में चले जाते हैं वे लौट करके क्यों आते हैं। इसलिए नहीं आते कि सर्व कर्म ईंधनों का अभाव हो जाने से अंदर प्रकट प्रकाशमान चैतन्य ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा क्या है, भगवान आत्मा अनंत सुख का भरा पूरा लवालब ऐसा सरोवर उसमें केली करते हैं, जहाँ खेत खिन्नता का काम नहीं है, जहाँ पीड़ा का काम नहीं है, जहाँ कष्ट का काम नहीं है, विकार नहीं है, राग द्वेष नहीं है, थकान नहीं है, उकताहट नहीं है, भूख प्यास नहीं है, सर्दी गर्मी नहीं, कैसा आनंद होता होगा। आपको ये सब तो ज्ञान होता होगा, अरे जैसे जैसे आत्म सन्मुख होकर के ज्ञान बढ़ाता चला जाता है, ऊपर का कर्मों का हटता चला जाता है, अंदर में वो और अधिक आत्मा खिलती चली जाती, प्रण हटता है और अंदर से खिलता है आत्मा, जैसे घिसाई होती है ना मार्बल की, लोगों के घरों में मार्बल कम लगता है, वुडन फ्लोर ज्यादा है ना, मार्बल जहाँ है घिसाई होती है उसकी। आप ये जो होते हैं ना डायमंड्स वगैरह हैं लीजिए, आप एक्चुअल देखो, खड़ देखिए आप, रॉ मटेरियल जो है खड़ कहते हैं उसको, कच्चा माल खान से निकला हुआ पत्थर जब निकल करके आता है रफ बोलते हैं, कुछ नहीं दिखता आपको, ये मिल जाए हाथ में आ जाए तो आपको हैं ये बेकार पटक दो आप उसको ऐसी, लेकिन फिर क्या होता है धुलाई होती है, घिसाई होती है, खूब घिसाई होती है, फिर पॉलिशिंग होती है, तो ये जो घिसाई ज्यो ज्यो घिसाई होती है त्यो त्यो अंदर से चमकता है, त्यो त्यो निखार आता है। अभी हमारे उपयोग की भी घिसाई का काल होता है, ज्यो ज्यो उपयोग की घिसाई होती है त्यो त्यो उपयोग में निखार आता है,
मैं कहता हूँ आज आप पहली बार किसी व्यक्ति को स्वाध्याय में लेके आओ जिसने कभी स्वाध्याय नहीं सुना हो, तो वैसा मेरे को समझ में नहीं आया। आधी बातें तो ऊपर से निकल गई, पंडित जी बोलते बहुत अच्छा हो, लेकिन हमारे को थे आत्मा और मालूम क्या क्या और कौन कौन सी बातें कर रहे थे आप, ये बातें हमारे को समझ में नहीं आती। ये कहते हैं अभी तो फर्स्ट डे है, कुछ नहीं आएगा, दूसरे दिन फिर, तीसरे दिन फिर, धीरे धीरे देखेंगे आपके उपयोग की घिसाई इतनी हो चुकी है, वो इतना मच गया है आपका उपयोग कि उसके उपरांत अब उस उपयोग में जो बातें आती है अब देखना आप, अब आप बात सुनते हैं और आप उसकी गहराई में चले जाते हैं, अब आप वचन सुनते हैं और उपयोग उस बात को पकड़ लेता है, इसका नाम है उपयोग की गहराई, चिंतन की गहराई। ज्यों ज्यों चिंतन बढ़ता चला जाता है, क्यों क्यों उपयोग रमता चला जाता है, ज्यों ज्यों उपयोग अंदर में रमता है त्यों त्यों कर्म का आवरण हटता है, ज्यों ज्यों कर्मों का आवरण हटता है त्यों त्यों अंदर में आत्मा प्रकट प्रकाशमान दिखाई देने लगती है। यह चैतन्य का प्रकाश जड़ प्रकाश जैसा नहीं है, रोशनी जैसा नहीं है, लाइट जैसा नहीं है, मरकरी लाइट हेलोजन हम लगा दे रहे हैं, हमें ऐसी कुछ लाइट नहीं, ऐसा कोई प्रकाश पुंज थोड़ी नहीं, रोशनी लाइट जैसा तिलके तो सब ज्ञानादि गुणों का पुंज प्रकाश पुंज आत्मा इस देह रूपी देवालय में विराजमान है, ऊपर से ज्ञानावरण आदि अनंत कर्म वर्गणाएं चिपकी हुई है, अनंत कर्म वर्गणाएं चिपकी हुई है, और उन कर्म वर्गणाओं की जो धूल पड़ी हुई है वो धूल का आवरण जैसे जैसे हटता है, क्या जैसे जैसे वो धूल के आवरण में निखार आता है, हटती चली जाती है, वैसे वैसे आनंद आता चला जाता है, आनंद बढ़ता चला जाता है। अब जिसका अंदर में आनंद बढ़ रहा हो और व्यक्ति बाहर के दुखों का रोना रोएगा, बाहर के दुखों को देखेगा, अरे अभी तो आनंद आ रहा है, छोड़ना कोई बात नहीं, मर लेते थोड़ा होगा। देखो जिस व्यक्ति को टीवी देखने में मजा आ रहा हो, जिस बालक को टीवी का रस आ रहा है, अब उसकी मम्मी आवाज लगा रही है, बेटा थाली लग गई अभी आता हूँ, बेटा रोटी डाल दी थाली में अभी आता हूँ, बेटा ठंडी हो रही है, बड़ी बड़ी ठंडी हो गई देख, अरे होने दो ना, जरूर क्या कहता है, क्यों वो कहता है, बल्ले दो रोटी को कौन खाएगा, रहने दो, मुझे तो इसमें आनंद आ रहा है, मैच देखने में, मुझे क्रिकेट में आनंद आ रहा है, मुझे खेल में आनंद आ रहा है, मुझे मूवी में आनंद आ रहा है, सीरियल में आनंद आ रहा है, मुझे तो इसमें आनंद, जिसको उस विषय में आनंद आता है वो बाहरी दुखों को कुछ नहीं गिनता है, थक रहा हो तो भी नहीं गिनता है, कष्ट पा करके भी नहीं गिनता है, बोलो आत्मा का आनंद तो कुछ अपूर्व है भाई, बातें करते हैं, बातें करने जितना सा नहीं है, ये तो मर्मी हो मरम सो जाने, जिन्होंने तत्व का अनुभव किया है वे इस स्वरूप को जानते हैं, जब अनुभव होता है तो ही समझ में आता है कि ये क्या चीज थी, हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव श्रद्धालय में जाकर के विराजमान हो रहे, असंख्या सम्यक दृष्टि जीव लगे हैं लाइन में, असंख्या तो सम्यक जीव, ये क्या अपूर्व उपलब्धि है, कुछ ऐसी उपलब्धि हमारे को हो जाए, कब होगी, व्यवहार निर्वृत्ति की बात चल रही है, पीछे व्यवहार से निर्वृत्त होने की बात कही है और उस आनंद को उत्पन्न करने की बात कही है, और निरंतर जलाता है वो कर्म ईंधनों को, प्रचुर कर्म ईंधन को निरंतर जलाता है, निर्दहति अनारतम अनारतम निरंतर जलाता है, दूसरा कोई काम ही नहीं है, भव चक्र के संहार में जो प्रति सन्नद्ध है, भव चक्र का संहार कर रहे हैं, कोई कभी कभी पूछते हैं जंगल में बैठे बैठे मुनिराज क्या करते होंगे बेचारे, काम क्या है इनको, क्या बात है, उनके पास काम नहीं है, अरे मुनिराज जंगल में बैठे बैठे निरंतर अपने कर्मों का संहार करने का काम करते हैं, जंगल में बैठे बैठे निरंतर ध्यान रूपी अग्नि जलाते हैं और कर्मों को दहन करते हैं, कर्म दहन विधान चलता रहता है उनके निरंतर 24 घंटे एक ही काम है,
कर्मों को जलाने का, कर्मों को काटने का इस काम में लगे हुए हैं महामुनिराज। ऐसे अपूर्व रस का वेदन करने वाले महामुनिराज होते हैं, बाहरी दुखों से अनजान रहते हैं, अचेतन रहते हैं, माने बेखबर रहते हैं, इसलिए बाहर में होने वाले उपसर्ग, बाहर में होने वाले परिचय, घर में आने वाली विपत्तियां, संकट, उनमें खेद भी नहीं पाते हैं। इसके टीका में और भावार्थ में कुछ और कोई विशेष बातें कही होगी, अपन इनकी चर्चा आगामी स्वाध्याय में करेंगे। अभी की बात करता हूँ। न्यावाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सोहणी मस्तक नमो सदा देत हूँ भूख, सदा देत हूँ भूख।